अस्सलाम वालेकुम क्लास फेव, ओपन योर बुक्स। टुडे वी विल रीड पेज 3। एंड बेटे मुझसे एक मिस्टेक हुई कल के लेक्चर में, मैंने आपको आगे ले ली थी, मैंने आपको ये वाला पेज पढ़ा दिया, इसकी रीडिंग करवा दी है पेज 5 की, जबकि पेज 2 हमने किया था लास्ट टाइम, और उसके बाद पेज 3 मैंने आपकी को रीडिंग करवानी थी। ठीक है, आज मैं पेज 3 की करवाऊँगी एंड नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको जो SST का डे होता है आपको उस पर मैं आपको 4 और 4 पेज पढ़ाऊँगी। ओके, 4 एंड नेक्स्ट थर्सडे पर 6। ओके, जो आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 3। हम पढ़ रहे थे माउंटेन्स के बारे में, नॉर्थ एंड नॉर्थर्न, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में, हिमालय कराकरम एंड हिंदुकश, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम इसके बाद वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। कम टू हियर वेस्टर्न माउंटेन्स। द वेस्टर्न माउंटेन रेंज इज separate toward the north south of Pakistan, covering a large area of Khyber Pakhtunkhwa and a small part of Balochistan. अब western mountain range जो है ये फैले हुए हैं, कहाँ तक फैले हुए हैं, सेपरेट फैलना, टूअर्ड द नॉर्थ ये फैले हुए हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ऑफ पाकिस्तान, टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ ऑफ पाकिस्तान तक फैले हुए, कवरिंग द अ लार्ज एरिया खैबर पख्तूनख्वा को ये कवर करते हैं, एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के भी कुछ हिस्से को कवर करते हैं। दिस रेंज कवर्स द किथर हिल्स, कोह सुलेमान यानी कि सुलेमानियन माउंटेंस, एंड वजीरिस्तान हिल्स, कोहे सफेद, चागी हिल्स एंड द हिल्स स्ट्रेचिंग थ्रू दिल सवार एंड चित्राल। ओके, ये रेंज इन सारी जगहों को कवर करती है। दिस रेंज कवर्स किरतर हिल्स, कोहे सुलेमान सुलेमानियन माउंटेन्स, वजीरिस्तान हिल्स, कोहे सफेद, चागी हिल्स एंड द हिल्स स्ट्रेचिंग थ्रू दिल सवार एंड चित्राल। ठीक है, ये हिल्स जुड़ती हुई हैं, कहाँ से गुजरती हैं, स्ट्रेचिंग थ्रू देर सवात एंड चित्राल से गुजरती हैं और इन सब को आपस में मिलाती हैं। द खैबर कुरम टोची गोमल एंड बोलान आर फेमस पासिस हियर। इसकी जो बहुत फेमस जगह हैं वो खैबर कुरम टोची गोमल एंड बोलान हैं। ओके, नाउ ये वेस्टर्न माउंटेन के बारे में इतनी ही मालूमात हुई हैं। ठीक है, नाउ कम टू प्लेन्स, मैदान। प्लेन्स होते क्या हैं? सरसब्ज और शादाब ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो खुला वसी और बिल्कुल सीधा होता है, इसमें कोई ढलवान नहीं होती है। ओके, द प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पाकिस्तान का जो प्लेन एरिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। आज हम पढ़ेंगे अपर इंडस प्लेन के बारे में। द अपर इंडस प्लेन स्ट्रेचेस थ्रू द प्रोविंस ऑफ पंजाब। ये कहाँ जाके जुड़ता है? थ्रू द प्रोविंस ऑफ पंजाब, सूबा पंजाब से जाके जुड़ता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब टू द सुलेमानियन माउंटेन्स इन द वेस्ट। ये क्या कहते हैं, इट स्टार्ट से शुरू होता है कहाँ से? ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब, पंजाब के मशरकी बॉर्डर से शुरू होता है लेकर टू द सुलेमानियन माउंटेन्स इन द वेस्ट। अभी अपने ऊपर हमने सुलेमानियन माउंटेन के बारे में पढ़े ना, तो सुलेमानियन माउंटेन्स के जाके जोड़ता है पंजाब टू द सुलेमानियन माउंटेन्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में जाके सुलेमानियन माउंटेन्स तक जाता है। फ्रॉम द पोटोहार प्लेचू इन द नॉर्थ टू द बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ। और इसके द पोटोहार प्लेचू है नॉर्थ में मौजूद है एंड बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट मौजूद है साउथ में। इट इज़ इरीगेटेड बाई 5 रिवर्स, ये 5 दरियाओं से जाके मिलता है, द इंडस, द जेलम, द चिनाब, द रावी एंड सुतलिज। ओके, हियर द लैंड इज इन रिच्ड
विद सोल ब्रॉड बाय दीज रिवर्स। अब यहाँ से इस ज़मीन पर पहुँचती है, द लैंड इज़ इनरिच्ड विद सोल, ये जो लैंड है वो सोल मिट्टी से भरी हुई है, जो कि आती है कहाँ से, पांच दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बनती है, एंड हैंस वेरी फर्टाइल, बहुत ज़रखेज़ ज़मीन होती है। रेनफॉल इज़ नॉट सफिशियट इनफ बाई ग्रो क्रॉप्स, जो बारिश होती है ना, रेनफॉल जब बारिश होती है, सिर्फ बारिश का पानी पूरा नहीं होता सफिशियंट, ठीक है, ये पूरा नहीं हो जाता, काफ़ी सफिशियंट काफ़ी नहीं हो जाता टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स फसलों को बड़ा करने के लिए सिर्फ बारिश का पानी काफ़ी नहीं होता टू ओवरकम दिस, इस सारे एरिया को सराब करने के लिए, पानी देने के लिए, अलाउ चेन ऑफ कैनल्स हैव बीन बोर्ड इन दिस एरिया, तो इस एरिया पूरे को पानी देने के लिए कैनल्स नहरें बनाई गई हैं, ठीक है, इन दिस एरियाज में, विच इज़ आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनल यानी कि नहरों का नेटवर्क है जो यहाँ पे बना हुआ है, जो इन सारी ज़मीनों को सराब करता है। इसमें आपने क्या पढ़ा अंपायर इंडस प्लेन में, ये पांच दरियाओं की सरजमीन है और इसमें पांच दरियाओं की लाई हुई मिट्टी मौजूद है और जो कि बहुत सरखेज़ है, और ये कि यहाँ से बारिश का पानी काफ़ी नहीं होता यहाँ की ज़मीनों के लिए, जिसको और यहाँ पे पानी पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, टू फॉर्म अ लार्ज चेन ऑफ कैनल्स, बहुत बड़ी नहरों की चेन बनाई गई है इस एरिए को पानी देने के लिए, ठीक है, और ये चेन दुनिया की सबसे बड़ी चेन है। ओके, तो लोअर इंडस प्लेन इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और उसके बाद प्लेटू और पढ़ेंगे, और फिर इस तरह से हम देन लाइफ इन रीजन सिमिलर टू पाकिस्तान ये पढ़ेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप इस रीडिंग को जितना मैंने करवाया है पेज 1, 2, 3 and 5 की रीडिंग आपने करनी है, ठीक है, और उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करें। थैंक यू।